वो एक वहाबी मौलाना मेरे ऊपर बड़ा चीखा जी, इंजीनियर का उस्ताद खत्म नबूत को नहीं मानता। जिस इंजीनियर की तुम बातें सुन रहे हो और जिसकी बातों पर तुम अमल कर रहे हो, जिसे तुमने आज बहुत बड़ा आलिम दीन तसव्वुर करके रखा है, उसका उस्ताद खत्म नबूत का मुनकिर है। क्या तुमने कभी सुना कि इंजीनियर ने अपने किसी वीडियो में कहा हो कि मौलाना इसहाक की ये बातें गलत है, कि इस उम्मत में नबूवत का सिलसिला आज भी जारी है? नहीं कहा उसने, नहीं कहा उसने, फिर भी तुम इंजीनियर को सुनते हो। अच्छा, एक गलती निकली है कि मेरे उस्ताद ने कोई काम गलत किया है, वो मेरे खाते छुपा रहे हो। सरकार, मेरे उस्ताद सिर्फ मौलाना इसहाक साहब नहीं है, मेरे उस्ताद सबसे पहले जो मेरे उस्ताद हैं वो मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, बापा जानी। तो क्या उनकी गलतियां मेरे खाते में डलेंगी? डॉक्टर तैल कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, क्या उनकी गलतियां मेरे खाते में डलेंगी? डॉक्टर इसरार साहब, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, मौलाना इसहाक साहब, शेख जुबैर लिजई साहब, गुलाम सूद सईदी साहब, ये सब किसी ना किसी दर्जे में मेरे उस्ताद हैं, क्या इनकी गलतियों को मैंने ऑन करना है और मेरे खिलाफ ये क्लिप चढ़ेंगे कि मैं जो वो इनकी गलतियों को छुपाता हूँ या मैं इनके बारे में बोलता नहीं हूँ? मैंने तो कशफ इल्हाम के ऊपर 8 से ऑलमोस्ट 10 साल पहले मसला 6B रिकॉर्ड करवा दिया था, उसमें मैंने सारी की सारी बातें तफसील के साथ बयान की थी कि नबी इस्लाम के बाद अब कोई इस तरह का अकीदा आप किसी के बारे में नहीं रख सकते। डंके की चोट के ऊपर मैंने इन सारी चीज़ों का रद्द किया था। मेरे खाते में क्यों डालते हैं?